भाई ये है लेटेस्ट वायरलेस एयरपॉड्स और ये है मेरी पुरानी वायर्ड ईयरफोन और इन दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ये नेक बैंड्स क्योंकि भाई वायरलेस भी होते हैं और बैटरी इनकी बहुत क्रेजी होती है। तो मैंने अभी खरीद लिया इन जैके टॉप सेलिंग नेक बैंड्स जो कि अब मिल जाते हैं जस्ट ₹1500 के अंदर। और ये ईयरफोन के ब्रांड्स हैं बोट टॉगल्स 330 ANC, रियलमी बड्स वायरलेस 2S, नॉइस ट्यून एक्टिव प्रो एंड मिनी कॉर्नर फ्लैश प्रो। तो बात करते हैं इनके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो मुझे बोट की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे काफी ज्यादा प्रीमियम लगी क्योंकि उसके साथ आपको एक काफी ज्यादा सॉफ्ट नेक बैंड मिलता है और इवन इसके साथ आपको ये मेटालिक लुक भी मिल जाती है इसके नेक बैंड और ईयरफोन्स के ऊपर। इवन इसकी वायर मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा थिक और स्टर्डी लगी। और यहाँ पे अगर मैं रियलमी की बात करूँ तो उसके साथ आपको एक प्रीमियम प्लास्टिक बॉडी डिजाइन देखने को मिलता है और वो भी मुझे काफी ज्यादा स्टर्डी लगा। और फाइनली यहाँ पे अगर मैं नॉइस और मिमी की बात करूँ तो उन दोनों की बिल्ड क्वालिटी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी एवरेज लगी। भाई इसमें तो आवाज ही बहुत आ रही है। इवन उनके बैंड भी यहाँ पे उतने स्मूथ नहीं थे जितने रियलमी और बोट के थे। और यहाँ पे अगर मैं इन सभी की कंफर्ट की बात करूँ तो मेरी रियलमी और बोट की ईयरफोन्स मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगे। इवन लॉन्ग आवर्स के लिए भी मैं उनको काफी कन्वीनियंटली यूज कर पा रहा था। और यहाँ पे अगर मैं नॉइस की बात करूँ तो उसके अंदर मुझे ईयरफोन्स का रबर सपोर्ट का डिजाइन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा जिसकी वजह से मैं उनको बहुत ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पे इन सभी ईयरफोन्स के साथ आपको IPX4 या फिर IPX5 की रेटिंग मिल जाती है जिसके साथ आपकी ईयरफोन्स काफी ज्यादा सेफ रहेंगे वाटर स्प्लैशेस या इवन स्वेट के अगेंस्ट। बट अगर आप इन ईयरफोन्स को यूज करते हैं वर्क करते टाइम कंफर्ट के साथ इन ईयरफोन्स की स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने अभी किया इन सभी ईयरफोन्स के साथ एक रन टेस्ट भी। तो इस टेस्ट के अंदर रनिंग करते टाइम नॉइस की ईयरफोन्स कानों में सबसे ज्यादा स्टेबल थे और वो एक बार भी कानों में से नहीं निकले उसके ये एक्स्ट्रा रबर सपोर्ट की वजह से। और यहाँ पे अगर मैं रियलमी और बोट की बात करूँ तो उनके ईयरफोन्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा स्टेबल थे बट उनको यहाँ पे बीच में एक दो बार थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा था। तो अब उनको भी काफी आराम से यूज कर सकते हैं वर्कआउट या रनिंग करते टाइम। और यहाँ पे अगर मैं मिमी की ईयरफोन्स की बात करूँ तो उनके ईयरफोन्स भी काफी स्टेबल थे बट उसका ये राइट वाले ईयरफोन्स काफी बार कानों से निकल रहा था उसकी ये एक्स्ट्रा वेट की वजह से। तो वो चीज मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगी। और यहाँ पे अगर मैं सभी ईयरफोन्स की बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे वो काफी ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है नॉइस और मिमी के ईयरफोन्स के साथ जो कि अराउंड 60-72 hours का है। भाई ये दो हफ्ते तक चलते ही जा रहे थे, मैं भूल ही गया था इसमें चार्जिंग करनी होती है। और यहाँ पे अगर मैं रियलमी की और बोट की बात करूँ तो उनके साथ भी आपको काफी अच्छी बैटरी बैकअप मिल जाती है जो कि अराउंड 24 आवर्स की है। ऐसे 24 घंटे भी अच्छा बैटरी बैकअप होता है बट इसके 70 घंटे के आगे ना 24 घंटे भी अब कम लग रहे हैं। और यहाँ पे इन सभी ईयरफोन के साथ आपको एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है जिसके अंदर सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग के साथ काफी अच्छा प्लेबैक टाइम मिल जाता है। और यहाँ पे हमने इन सभी ईयरफोन की ब्लूटूथ रेंज को भी यहाँ पे चेक किया है, इसका रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिमी और रियलमी की ब्लूटूथ रेंज यहाँ पे काफी अच्छी थी जो कि इवन 20 मीटर से भी ऊपर थी। और यहाँ पे अगर मैं नॉइस और बोट की बात करूँ तो उनकी ब्लूटूथ रेंज यहाँ पे सिर्फ 17-18 मीटर की थी बट वो भी एक अच्छी ब्लूटूथ रेंज है। तो चलिए अब बात करते हैं इन सभी ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी की। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं किसका बेस सबसे ज्यादा मजेदार है। जहाँ हमने सभी ईयरफोन्स की वॉल्यूम को सिमिलर लेवल में सेट कर दिया है तो चलिए स्टेप को स्टार्ट करते हैं। तो सुना हमने इन सभी का बेस परफॉर्मेंस, कौन सा सबसे अच्छा लगा मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताओ, तब तक मैं अपना बताता हूँ। तो इस टेस्ट के अंदर मुझे नॉइस और बोट का बेस यहाँ पे सबसे ज्यादा रिच और पंची लगा। इवन रियलमी का बेस भी यहाँ पे काफी अच्छा था बट नॉइस और बोट से थोड़ा सा कम। और फाइनली अगर मिमी की बात करूँ तो उसका बेस मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा एवरेज लगा, मतलब मजा नहीं आया। और यहाँ पे हम साथ में टेस्ट करने वाले हैं इनकी वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटल क्वालिटी को भी एक मेलोडियस सॉन्ग को सबके साथ प्ले करके। तो चलिए इस टेस्ट को भी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। के अंदर मुझे नॉइस रियलमी और बोट की साउंड क्लैरिटी काफी ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि सभी के वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटल्स यहाँ पे काफी ज्यादा क्लियर थे पर यहाँ पे अगेन मुझे मिमी की साउंड क्लैरिटी काफी ज्यादा एवरेज लगी। तो यहाँ पे इन सभी ईयरफोन के साथ आपको एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन भी यहाँ पे मिल जाता है जिसके अंदर आपकी आवाज कोई भी काफी क्लियरली सुन पाता है जब आप फोन पे बात कर रहे होते हैं। और इसको भी यहाँ पे हमने रियल टाइम टेस्ट किया है। तो ये मेरी आवाज है
डायरेक्टली कैमरा माइक के साथ। माइक क्वालिटी टेस्ट फ्रॉम नॉइस नेक बैंड, ये माइक क्वालिटी टेस्ट है नॉइस नेक बैंड के साथ। तो दिस इज माइक क्वालिटी टेस्ट फ्रॉम मिवी नेक बैंड, ये माइक क्वालिटी टेस्ट है मिवी नेक बैंड के साथ। तो दिस इज माइक क्वालिटी टेस्ट फ्रॉम रियलमी नेक बैंड, ये माइक क्वालिटी टेस्ट है रियलमी नेक बैंड के साथ। तो दिस इज माइक क्वालिटी टेस्ट फ्रॉम बोट नेक बैंड, ये माइक क्वालिटी टेस्ट है बोट नेक बैंड के साथ। तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली मुझे मिवी और रियलमी की साउंड क्लैरिटी यहाँ पे काफी ज्यादा क्लियर लगी और उन दोनों का ही बैकग्राउंड नॉइस यहाँ पे काफी कम था। और यहाँ पे अगर मैं नॉइस और बोट की बात करूँ तो उन दोनों की साउंड क्लैरिटी भी हमें काफी अच्छी थी और उनके साथ में हमें बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा ज्यादा सुन पा रहा था। और यहाँ पे बोट के हेडफोन के साथ आपको एक यूनिक फीचर मिल जाता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का, जो नॉर्मली आपको सिर्फ एक्सपेंसिव TWS में देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली आउटडोर्स में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट्स की। मेरी आपको सबसे पहली रिकमेंडेशन होगी बोट की ईयरफोन्स की, क्योंकि उसके अंदर आपको काफी अमेजिंग साउंड क्वालिटी के साथ एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी और कम्फर्ट भी मिल जाता है। इवन ANC फीचर भी उसका एक अच्छा एड ऑन है। और अगर आप पसंद करते हैं काफी ज्यादा बैलेंस्ड और क्लियर साउंड, तो मेरी दूसरी रिकमेंडेशन होगी आपको रियलमी की ईयरफोन्स की, क्योंकि उसकी साउंड भी ऑलमोस्ट काफी सिमिलर थी बोट की ईयरफोन के साथ और उसके अंदर भी आपको सभी लेटेस्ट फीचर्स हमें मिल जाते हैं। और यहाँ फाइनली मैं बात करूँ रॉयस और मिवी के नेक बैंड्स की, तो उनकी परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एवरेज लगी बाकी दोनों ईयरफोन के कंपैरिजन में। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टेस्ट और डिटेल कंपैरिजन की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।